आयुर्वेद में जामुन खाने के ढेर सारे फायदे बताए गए हैं। इतना ही नहीं, यूनानी और चाइनीज चिकित्सा पद्धति में भी इसका जिक्र किया जाता है। डायबिटीज के मरीजों को जामुन जरूर खाना चाहिए। ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाला फल है। डायबिटीज के मरीज आमतौर पर परेशान रहते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। दरअसल उन्हें पता होता है कि एक भी गलत चीज का सेवन करने से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। डायबिटीज के मरीज बेफिक्र होकर जामुन का सेवन कर सकते हैं। खासकर इसकी गुठलियों से बना हुआ चूर्ण डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है। इतना ही नहीं, जामुन का सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। ऐसे में महिलाओं के लिए और एनीमिया के पेशेंट के लिए जामुन का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। जामुन इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ में ये दिल को भी हेल्दी रखता है। खून को साफ करने में मददगार होता है। जामुन खाने से डाइजेशन बेहतर होता है। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बता दें कि जामुन की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में ही इसका ज्यादा सेवन किया जाता है। साथ ही जामुन को खाली पेट खाने से परहेज करना चाहिए। जामुन स्वाद में खट्टा होता है। अगर आप सुबह खाली पेट जामुन का सेवन करते हैं तो इससे आपको एसिडिटी, पेट दर्द, ब्लड शुगर लेवल डाउन होने की समस्या हो सकती है। जामुन खाने के तुरंत बाद दूध पीना या डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही जामुन खाने के तुरंत बाद अचार खाने से भी परहेज करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत जैसे अपचन, गैस, पेट दर्द की समस्या हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।